चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका नाम है, और हम जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है चैप्टर नंबर 6 के अंदर, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसके हम मज़े डिटेल भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करके बताना होता है। तो सिंपल आप जो है वो टेबल बना के इसको डिफरेंशिएट करेंगे। और देखें, पहला पॉइंट जिस तरह यहाँ पर मैंने क्लियर किया हुआ है, क्या है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। देखो, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट और रिवर्स है ना, मतलब इसका नाम है रिवर्स। तो ये रिवर्स मार जाते हैं, रिवर्स बैक मार जाते हैं, यू टर्न मार जाते हैं इमरान खान साहब की तरह, है ना। तो ये वो वाले रिएक्शंस हैं। और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? इरिवर्सिबल यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इरिवर्स हैं, यानी कि ये रिवर्स नहीं मार सकते, बिल्कुल फॉरवर्ड होते हैं। तो ये क्या है? इन दिस रिएक्शन रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट टू प्रोडक्ट। ये जो है रिएक्टेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और प्रोडक्ट जो होता है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कैन नॉट, नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखें क्या है, दूसरा पॉइंट आपके सामने मौजूद है वो ये है कि दे आर बाय फॉरवर्ड डायरेक्शन। बाय फॉरवर्ड का मतलब ये होता है ये जो डायरेक्शंस रखता है, यानी कि आगे और पीछे, ठीक है ना। यानी कि ये आगे चले जाते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट जाते हैं, और प्रोडक्ट से दोबारा पीछे चले जाते हैं रिएक्टेंट में। तो उसको हम कहते हैं ये दो फॉरवर्ड रखता है, पुश दो फॉरवर्ड रखता है, जिसको हम कहते हैं बाय फॉरवर्ड। और ये यूनि फॉरवर्ड होते हैं रिवर्सिबल, ये सिर्फ आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ये सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते। तीसरा पॉइंट देखें, दे रिप्रेजेंट बाय डबल एरो। हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो उसको डबल एरो से जो है हम डिनोट करते हैं, और इरिवर्सिबल को सिंगल एरो से डिनोट करते हैं, ये इसकी पहचान है। चौथा पॉइंट देखें, दिस रिएक्शन प्रोसीड बाय फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। वही वाली बात कि ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करते हैं आगे भी और पीछे भी, ठीक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, और ये जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इनकी एग्जांपल्स आपको या लाजमी तौर पर लगानी है, और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि पहली एग्जांपल जो है यहाँ पर N2 और H2 जो क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। अब यही अमोनिया जो है वो प्रोडक्ट तो बना दिया इसने, और ये चीज़ जो है वो रिएक्टेंट में दोबारा कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। कुछ फैक्टर्स की बदौलत, प्रेशर ऊपर नीचे होगा, यही अमोनिया दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। और ये एग्जांपल आप यहाँ देखें कि ये जब NaOH और HCl दोनों मिलेंगे तो ये NaCl और नमक और पानी बनाएंगे, और ये नमक और पानी दोबारा HCl और NaOH नहीं बन सकते, कभी भी नहीं बन सकते। ये सिर्फ और जब बन गए तो बन गए, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, और एग्जांपल आपको ख़ास तौर पर दोनों वाज़े तौर पर लिखनी है ताकि आपको पूरे नंबर मिल सकें।